हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बीए बीएससी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पहले हमने क्या रीड किया हुआ है। प्रोबेबिलिटीज जो हमने पहले पढ़ी हैं वो पढ़ी है क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, और हमने जो एक और पढ़ा है वो है स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये दोनों अभी तक हम रीड कर चुके हैं क्लास 9th और 10th में। क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या होता था कि हमारे पास कुछ फेवरेबल आउटकम्स होती थी और हमारे पास कुछ टोटल आउटकम्स होती थी। हम इसमें क्या करते थे, रेशोज निकालते थे और प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाती थी। स्टैटिस्टिकल अप्रोच में क्या हुआ हमारे पास कि हमारे पास कुछ कलेक्टेड डेटा होता था, ठीक है, और उसी के हिसाब से हमारे पास टोटल आउटकम्स होती थी, तो उनके हम रेशो करते थे, हमारे पास आंसर आ जाता था। लेकिन इन दोनों थ्योरीज के पास जो था ना कुछ सीरियस डिफिकल्टीज थी। डिफ़िकल्टीज ये थी कि ये सिर्फ फाइनाइट नंबर पर ही अप्लाई हो पाते थे, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास जो आउटकम्स है, जो टोटल आउटकम्स है, अगर वो इनफाइनाइट हो जाए तो उसके लिए ये चीज़ें नहीं अप्लाई होती थी। तो उसके लिए एक नया थ्योरी निकाली गई, वो थी एक्सियोमेटिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्सियोमेटिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। नाउ एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी को पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे कि सबसे पहली टर्म है रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, सपोज कि हमारे पास कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, डेली एक्टिविटीज़ जो हम डेली परफॉर्म करते हैं लेकिन उनके रिजल्ट सेम होते हैं, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, इसमें हमारे पास तीन एंगल्स हैं, एंगल वन, एंगल टू एंड एंगल थ्री। अब मुझे ये पता है कि जब भी मैं किसी ट्राइंगल के तीन एंगल्स को प्लस करूँगा, यानी कि उसका जो सम होगा वो 180 डिग्री ही आएगा, ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो जो चीज़ें फिक्स होती हैं वो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनका हमें रिजल्ट ऑलरेडी पता होता है कि ये आंसर इसका आएगा। अब सपोज कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनका हमें रिजल्ट एडवांस में पता ही नहीं होता। अब वो एक्सपेरिमेंट्स कौन से होते हैं, सपोज मेरे पास कोई कॉइन है, अब कॉइन में हेड आएगा या टेल आएगा हम इसको एडवांस में नहीं बता सकते, ठीक है। देखने में सिंपल लगता है कि आउटकम्स जो है हेड या टेल ही आना है, लेकिन हम फिर भी एडवांस में नहीं बता सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा। कंडीशन ये है कि ये आइडेंटिकल कंडीशन में होना चाहिए। कई बार मान लो कंडीशंस चेंज हो जाती है तो उसमें पॉसिबल हो जाता है कि हेड आ जाए। मान लो कि हमने कॉइन को बायस कर दिया, ठीक है, हमने किसी के कॉइन का एक साइड भारी कर दिया, तो वो जो भारी साइड आएगी वो हमेशा नीचे गिरेगी, ठीक है। तो जब वो कॉइन को, मान लो मेरे पास ये कॉइन है, अब इसमें ऊपर की तरफ मैं कॉइन का जो है साइड व्यू बता रहा हूँ, अब उस कॉइन का जो है टॉप एंड जो है वो हेड दिखाता है और जो लो एंड है वो टेल दिखाता है। अब मान लो मैं इसको यहाँ से भारी कर दूँ, ठीक है, इस साइड से मैंने इसको भारी कर दिया, कुछ यहाँ पर लगा दिया, मैंने कुछ ग्लू लगा दिए या कोई टेप लगा दिए जिससे ये भारी हो जाएगा। तो जब ये भारी होगा इस टाइम पर हम बोल सकते हैं कि मेरा कॉइन जो है बायस्ड हो चुका है। जब बायस्ड होगा इस टाइम भी जब हम इसको थ्रो करेंगे तो ये हमेशा हमें हेड ही दिखाएगा, क्योंकि भारी साइड जो होगी नीचे की तरफ गिरेगी, ठीक है, तो टेल हमेशा नीचे की तरफ आएगा। तो इस कंडीशन को छोड़ दो, ऐसी कंडीशन में नहीं अप्लाई होगा ये, तो हमें ऐसी कंडीशन रखनी है जो सेम कंडीशन में हो। तो सेम कंडीशन क्या है कि मेरा जो कॉइन है वो बायस्ड नहीं है, ठीक है, अनबायस्ड है। तो उस कंडीशन में मुझे पता है कि दो ही तरह की प्रोबेबिलिटीज आ सकती हैं, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, लेकिन हम एडवांस में नहीं बता सकते, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं कि ऐसी एक्सपेरिमेंट्स जिसमें हम एडवांस में नहीं बता सकते कि आउटकम क्या आएगा, वो होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए। फर्स्ट कंडीशन ये है कि इसकी आउटकम्स हैं मोर देन वन होनी चाहिए, ठीक है, मोर देन वन आउटकम आना चाहिए इस एक्सपेरिमेंट में। और सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि हम एडवांस में नहीं बता सकते कि कौन सा आउटकम मेरे पास आएगा, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इन एडवांस। तो हम इसमें एडवांस में नहीं बता सकते कि हमारे पास आउटकम क्या आएगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम बोलेंगे कि ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। नाउ नेक्स्ट टर्म है आउटकम्स एंड सैम्पल स्पेस। आउटकम्स और सैम्पल स्पेस क्या होते हैं, अब आउटकम्स देखो कोई भी क्या चीज़ है, मान लो मेरे पास कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, कॉइन का एग्जांपल ले लेते हैं कि कॉइन का मैंने साइड व्यू बनाया और हेड और टेल ऊपर और नीचे है, ठीक है। तो इसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या है, हेड और टेल। तो इन पॉसिबल इवेंट्स को, या बोल दो कि एक्सपेरिमेंट में जो पॉसिबल रिजल्ट आते हैं उन पॉसिबल रिजल्ट को हम आउटकम्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पॉसिबल रिजल्ट्स in a random experiment is called an outcome। तो इसका हम outcome बोलते हैं। अब outcome हो
हो गया है हमारे पास कि कोई भी पॉसिबल रिजल्ट हम रैंडम एक्सपेरिमेंट में बता सकते हैं, वो आउटकम होता है। अब सैंपल स्पेस क्या चीज़ है? अब सैंपल स्पेस क्या होता है, अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ सैंपल स्पेस, तो उन पॉसिबल रिजल्ट्स का हम एक सेट बनाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हेड और टेल आ रहा है, तो हेड और टेल का मैंने एक सेट बनाया कि मेरे पास हेड आया और एक टेल, कि यही पॉसिबल रिजल्ट्स है। इन पॉसिबल रिजल्ट्स का मैंने एक सेट बना दिया, तो उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस को डिनोट करते हैं, यहाँ लिखेंगे सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। तो सैंपल स्पेस को जब भी मैं आगे राइट करेंगे क्वेश्चंस में बहुत यूज होगा ये, तो सैंपल स्पेस को हम डिनोट करेंगे कैपिटल एस से। नाउ अब ये जो बीच में एलिमेंट्स हैं, ये एच हो गया और ये टी हो गया, इनको हम बोलते हैं सैंपल पॉइंट्स। ठीक है, सिंपल चीजें हैं, इनको आप लिख लेना ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि क्वेश्चन इसके बाद बड़े आएंगे प्रोबेबिलिटी के, और उसमें हमें डायरेक्ट इनको यूज करना होगा। तो सैंपल पॉइंट्स होते हैं, सैंपल स्पेस के जो भी एलिमेंट्स हैं वो होंगे सैंपल पॉइंट्स। अब सैंपल स्पेस के ऊपर हम एक एग्जांपल कर रहे हैं। एग्जांपल वन है, टू कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। दो कॉइन्स को हमने एक ही बारी में टॉस किया है, फाइंड अ सैंपल स्पेस। दो कॉइन्स को हमने टॉस किया है, ये मेरे पास दो कॉइन्स है। अब हमें पता है कि दोनों कॉइन्स में या तो एक हेड आएगा और एक बैक साइड पर टेल होगा, इसमें भी एक हेड होगा और बैक साइड पर एक टेल होगा। तो ये दो कॉइन्स हैं, इनको हमने एक ही बारी में टॉस किया है। तो सैंपल स्पेस में मैंने क्या बताया था कि जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स हम दे सकते हैं, ठीक है, उसको तो हम एक आउटकम बोलते हैं, लेकिन उन आउटकम्स को जब हम इकट्ठे कर देंगे तो एक सैंपल स्पेस बनेगा। तो सैंपल स्पेस इसमें को इस सैंपल स्पेस को मैंने एस से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो सेट बना रहे हैं इसके अंदर। अब हो सकता है कि फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला कॉइन दोनों ही हेड शो कर दे, तो हमारे पास फर्स्ट जो एलिमेंट बनेगा या फिर हम बोल सकते हैं सैंपल एलिमेंट। ठीक है, तो सैंपल एलिमेंट जो बनेगा एच एस बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, या दोनों साइड टेल आ सकता है, या फर्स्ट वाला कॉइन हेड शो कर दे सेकंड वाला टेल शो कर दे। ठीक है, या फिर फर्स्ट वाला कॉइन टेल शो करे या सेकंड वाला हेड शो करे। तो ये बन गया हमारे पास सैंपल स्पेस। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि सैंपल स्पेस क्या होता है। नाउ नेक्स्ट टर्म है इवेंट। इवेंट क्या चीज़ है? अभी तक हम सैंपल स्पेस पढ़ चुके हैं, आउटकम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब सैंपल स्पेस में क्या था, सपोज हम टू कॉइन्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसमें सैंपल स्पेस था हमारे पास एच एच टी टी एच टी टी एच, ये था हमारा सैंपल स्पेस। अब ये तो था कि इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, कि यूनिवर्सल सेट है जिसमें हर तरह के आउटकम आ चुकी है, इससे बाहर कोई आउटकम अब ये नहीं दे सकता हमें। ठीक है, ये वाला एक्सपेरिमेंट और भी आउटकम नहीं दे पाएगा। तो ये तो जाता है यूनिवर्सल सेट, या फिर हम इसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। अब इवेंट क्या चीज़ है? सपोज कि मेरे पास मुझे कुछ ऐसी इवेंट्स चाहिए, इवेंट सॉरी आउटकम चाहिए, ये तो टोटल आउटकम्स हैं। मैं इंटरेस्टेड हूँ कुछ ऐसी आउटकम में जिसमें सिर्फ एक ही हेड आए, तो उसमें कौन सी इवेंट्स आ सकती है, कौन से आउटकम्स आ सकते हैं, एच टी और टी एच, क्योंकि इसमें एक एक ही एच है। तो ऐसे आउटकम्स को हम एक नया सेट देते हैं, वो सेट है इवेंट। इसको हम बोलते हैं इवेंट। तो इवेंट में क्या होता है कि मान लो किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है कि मुझे ये वाले आउटकम चाहिए, तो उन आउटकम्स का एक नया सेट बनाते हैं और वो सेट होता है इवेंट। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि इवेंट एक सबसेट होता है, इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ऑब्वियसली समझ आ रहा होगा, क्योंकि सबसेट में क्या होता है कि मेन सेट के सारे एलिमेंट्स, सारे नहीं है कुछ एलिमेंट्स, ठीक है, सबसेट में आ जाते हैं। तो देखो इसके कुछ एलिमेंट्स इसमें आ चुके हैं, तो ये ई एक सबसेट है एस का, तो हमने इसको यहाँ पर शो कर दिया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। ठीक है, कि कोई भी सबसेट, सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट हो, उसको हम एक इवेंट बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म है अकरेंस ऑफ इवेंट्स। अकरेंस ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं, कि इवेंट कोई ऑकर कर गई है, ठीक है, उसके बारे में कैसे हमें शो करना है। सपोज मेरे पास कोई, हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं डाई थ्रो करने का, तो उसमें हमारे पास सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, अगर हमने कोई डाई थ्रो की है, अनबायस डाई थ्रो की है, तो उसमें आउटकम्स क्या आ सकती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये बन गया एक सैंपल स्पेस कि हमने कोई डाई थ्रो की है और डाई के इतने आउटकम्स आ सकते हैं। तो ये पॉसिबल सभी आउटकम्स आ चुके हैं, इसको हमने सैंपल स्पेस बोल दिया। अब मैंने एक इवेंट लिया और इवेंट पे मैंने बोला कि नंबर लेस देन 4 आना चाहिए, नंबर लेस देन 4। तो इसकी इवेंट का सेट क्या बन सकता है, लेस देन 4 में कौन से एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, तो हमारे पास 3 है, तो इसलिए, ठीक है, 1, 2, 3 आएगा, क्योंकि इसमें लिखा है लेस देन 4, तो इसमें 4 इंक्लूड नहीं होगा, 1, 2, 3 ही आएगा।
तो ये मेरे पास एक इवेंट ई बन गई है, ठीक है। अब इवेंट ई ऑकर कर रही है तो उसको हम बोलेंगे इवेंट ई हैज ऑकर्ड। अब मान लो कि मेरे पास दूसरे एलिमेंट्स है, ठीक है, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि 1, 2, 3 बिलोंग्स टू ई, कि ये इवेंट ई को बिलोंग करते हैं। अब अगर हम सोचें कि मैं इवेंट ई में 4, 5 और 6 पुट कर दूँ तो ये गलत होगा, क्योंकि इवेंट ई ऑकर नहीं कर रही है, क्योंकि इवेंट ई में मुझे कंडीशन क्या दी गई थी कि नंबर लेस देन 4 आना चाहिए, लेकिन मेरे पास 4, 5, 6 आ रहा है, तो इवेंट ई ऑकर नहीं कर रही है, इसको हम बोलेंगे इवेंट ई हैज़ नॉट ऑकर्ड। इसमें आएगा कि इवेंट ई हैज़ ऑकर्ड, तो यही है सिंपल से कि ऑकरेंस ऑफ इवेंट्स क्या होती है। नेक्स्ट सब टॉपिक हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स। टाइप्स ऑफ इवेंट्स क्या है? सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट, ठीक है, इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट। अब इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट क्या चीज़ है? इम्पॉसिबल में क्या होता है कि ऐसी इवेंट जो बिल्कुल हो ही नहीं सकती है, ठीक है, श्योर इवेंट क्या जो बिल्कुल हो रही है। तो देखो हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती है, एक होता है फाई और एक होता है एस, ठीक है, यही हमारे पास इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट जो होगी उसको हम फाई से डिनोट करेंगे, ये डिस्क्राइब करेंगे उसको, और श्योर इवेंट को हम एस से डिनोट करेंगे, क्योंकि श्योर इवेंट में क्या होता है कि सैम्पल स्पेस ही आ जाता है टोटल। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ, जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास डाई का एग्जाम्पल लेते हैं, सैंपल स्पेस मेरे पास डाई का आता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये बन गया हमारे पास सैंपल स्पेस डाई के लिए, ठीक है, वो भी अनबायस्ड डाई के लिए। अब इसमें देखो हमारे पास कोई एक इवेंट ई दिया गया है, इसमें बोला गया है कि नंबर मल्टीपल ऑफ 7, कि ऐसा नंबर जो 7 का मल्टीपल हो। अब ऑब्वियसली हम जब यहाँ पर चेक करेंगे तो 7 का मल्टीपल तो क्या यहाँ पर 7 भी नहीं है, ठीक है, 7 का कोई भी मल्टीपल नहीं है यहाँ पर। तो जब हमारे पास कोई मल्टीपल ही नहीं है तो हम इस सेट को क्या बोलेंगे कि एक एम्प्टी सेट है, इसमें हम लगा देंगे 5। तो ऐसी इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, तो ये हो जाएगी इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट अगर हम श्योर इवेंट के बारे में देखें तो इसके लिए एक और इवेंट मान लो। अब इवेंट को ये मत सोचना कि हम ई से डिनोट कर सकते हैं, इसको हम एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, किसी भी किसको भी आप लेटर ले सकते हो जिससे आप इसको डिनोट कर सकते हो। तो एफ मैंने लिया कि हम इसमें कोई भी इवेंट मान लेते हैं, सपोज कि हम लेट करते हैं नंबर कैन बी ऑड और इवन, कि जो हम नंबर सेलेक्ट करेंगे वो या तो ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है। अब यहाँ पर जब हमने नोट किया कि इसमें इवन नंबर भी है ऑड नंबर भी है, और हमारे पास चॉइस है कि नंबर ऑड भी हो सकता है इवन भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, सब कुछ लेकर चलेंगे इसके अंदर। तो हमारे पास एफ इवेंट का जो है सेट क्या बनेगा, 1, 2, 3, 5 एंड 6, और ये तो हमारे सैंपल स्पेस के बराबर आ गया। जब सैंपल स्पेस के बराबर आया तो इसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट, तो ये है एक श्योर इवेंट, ठीक है, सिंपल था, समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट टाइप ऑफ इवेंट है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या चीज़ है? सपोज इफ वी हैव एन एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, अगर सैंपल स्पेस में मेरे पास एन एलिमेंट्स हैं, सपोज मैंने सैंपल स्पेस को यहाँ पर लिखा कि 1, 2, 3, 4 --n एलिमेंट्स हैं, और हमें ये भी पता है कि सैंपल स्पेस के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं सैंपल एलिमेंट्स। तो सैंपल एलिमेंट्स इसमें एन है, सपोज मैंने उसमें से एक, सपोज मेरे पास कोई इवेंट ई है और उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है इसका, यानी कि 3 है, मान लो कि मेरे पास 3 है इसमें, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल इवेंट। यानी कि सिंपल इवेंट्स में क्या होता है कि सैंपल स्पेस में से कोई एक एलिमेंट लिया जाता है और उसका जो सेट बनता है उसको हम बोलते हैं सिंपल इवेंट। नेक्स्ट टाइप ऑफ इवेंट है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट जैसे सिंपल इवेंट में हमने क्या किया था, एक ही एलिमेंट हम चूज करते थे, कंपाउंड इवेंट में एक से ज़्यादा एलिमेंट हम चूज कर सकते हैं। सपोज मेरे पास सैंपल स्पेस है 1, 2, 3, 4 --n तक है, ठीक है, इसमें n स्पेस एलिमेंट्स है। तो जब n एलिमेंट्स है, अगर मैंने एक से ज़्यादा ले ली, सपोज मैंने कंपाउंड इवेंट को c से डिनोट किया है और मैंने बोल दिया कि इसमें दो एलिमेंट्स 1 और 2 हैं, उसमें से 1 और 2 है, तो ये हमारे पास हो गया कंपाउंड इवेंट। अब एग्जाम्पल से हम इसको शो करते हैं। सपोज एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 3 कॉइन्स एक ही बारे में टॉस करने हैं, ये मेरे पास 3 कॉइन्स है, इनको एक ही बारी में टॉस करना है, तो आगे की तरफ मैंने यहाँ पर हेड शो कर दिया है और इसके बैक साइड पर मैंने बोला कि टेल है। तो इसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स, सबसे पहले तो हम एक सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस में क्या होता है कि टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं इसमें, तो या तो तीनों में हेड आएगा, या तीनों में टेल आएगा, या फर्स्ट टू में हेड थर्ड में टेल, या फर्स्ट टू में टेल
थर्ड में हैंड या फिर HTH या THT, और हम इसमें क्या बना सकते हैं HTT एंड THH, तो इसमें टोटल आएंगे एट एलिमेंट्स आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये हमारे पास बन गया सैंपल स्पेस ये सैंपल स्पेस बन गया है। अब कंपाउंड इवेंट, सपोज मैंने कंपाउंड इवेंट ई मानी जिसमें हमने बोला कि ओनली वन हेड अपीयर्स, जिसमें सिर्फ एक हेड अपीयर करे। अब ऐसी इवेंट का सेट क्या होगा जिसमें, देखो अब नोट करो यहाँ पर वन हेड किसमें आ रहा है, अब वन हेड एक तो इसमें आ रहा है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास एक इसमें आ रहा है THT, तो इन दोनों का हम एक अलग से इवेंट बनाएंगे, ये बनेगा HTT एंड THT, तो ये हमारे पास होगी कंपाउंड इवेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स से पहले हम एक सेट्स का कुछ रिवाइज करते हैं। आपने सेट के चैप्टर में कुछ टर्म्स पढ़ी होंगी, जैसे कि हमने पढ़ा था यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, हमने ये फोर टर्म्स हमने पढ़ी हुई है पहले सेट्स में। अब यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट अगर मैं आपको एक सिंपल वे में समझाऊं, हम कुछ एक वेन डायग्राम्स लेते हैं, ठीक है, इसके हिसाब से हम समझते हैं। सपोज मेरे पास एक ए सेट है और एक मेरे पास है बी सेट। अब अगर मैंने ए और बी सेट का यूनियन कर दिया तो इन सबके एलिमेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे और एक नया सेट बनेगा, ठीक है, उनको हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में ऐसा होगा कि अगर मान लो मेरे पास ए और बी है तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे जैसे ए बी, और जो इस स्पेस में ये जो कॉमन स्पेस है इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स होंगे इंटरसेक्शन के, कि दोनों में जो कॉमन आ रहे हैं। फिर बात आती है डिफरेंस की। अब डिफरेंस क्या है कि सपोज मैंने बोला कि ए माइनस बी, अब इसमें क्या चीज़ होती है कि ए माइनस बी बोला गया, मुझे ये बोला गया कि ए में से बी को माइनस करो। अब हमें यहाँ पर साफ साफ ये चीज़ नोट हो रही है कि ए, जो मेरे पास ए का सर्कल है उसमें बी का भी थोड़ा सा सर्कल है, मतलब बी ने भी कुछ पार्ट ए का लिया हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि ए में से मुझे बी को माइनस करना है, मतलब मुझे ए में से जो बी वाला हिस्सा है ना उसको हमने हटाना है वहाँ से। तो जब मैंने ए में से बी वाले हिस्से को हटाया, इसका मतलब मेरे पास क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, ठीक है, सिर्फ इतना सा हिस्सा बचेगा मेरे पास, इसको बोलते हैं ए माइनस बी, तो ये होता है डिफरेंस। इसी तरह आप बी माइनस ए निकाल के देखो, बी माइनस ए क्या आएगा, बी माइनस ए में क्या होगा, इसको छोड़कर हमें क्या करना है, बी में से ए वाला हिस्सा हटाना है यहाँ से, तो हमारे पास इसकी बजाय ये वाला आंसर आएगा, ठीक है, सिंपल है, समझ आ गया होगा कि डिफरेंस क्या होता है। फिर कॉम्प्लीमेंट की बात आती है कि जैसे जो एलिमेंट्स ए में है वो हमने लिख दिया यहाँ पर, अब जो एलिमेंट्स ए में नहीं है उसको हम शो करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसको हम ए डैश से शो कर देते हैं, तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट कि ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, ठीक है। देन लाइकवाइज हम इसको भी शो कर सकते हैं, ठीक है, लाइकवाइज हम क्या करेंगे, कुछ एनालॉगस सेट ऑफ नोटेशंस डिनोट कर रहे हैं हम, ठीक है, एनालॉगस सेट ऑफ नोटेशंस है। सिमिलरली जो हमने भी सेट के लिए किया है ना, वैसे इवेंट्स के लिए भी कुछ सेट ऑफ नोटेशंस होते हैं, और हम उसको पढ़ेंगे कि वो कैसी क्या चीज़ है, क्या उसका मतलब होता है। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, या हम बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या चीज़ है, सपोज मेरे पास, हम पहले से कलेक्ट करके चलते हैं कि ए बी और सी इवेंट्स एसोसिएट करते हैं, एसोसिएट्स विद सैंपल स्पेस एस। तो ये हमने पहले से शो कर दिया कि मेरे पास ए बी और सी इवेंट्स हैं जो एसोसिएट करती हैं सैंपल स्पेस एस को, ठीक है। अब इसमें देखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होती हैं, सबसे पहले हम एक कुछ सैंपल स्पेस मान लेते हैं, सपोज हम वही एग्जांपल लेट कर दें थ्री कॉइन्स वाला एग्जांपल लेट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या आएगा, दोबारा से हम नोट करते हैं कि HHT, TTH, HTH, THT, HTT, HTT और THH, और ये हमारे पास हो गए एट एलिमेंट्स। इसमें 80 एलिमेंट्स आते हैं, याद भी रख सकते हो आप कि जब भी तीन कॉइन टॉस करेंगे हम तो 80 एलिमेंट्स आएंगे, ताकि आपको याद रहे कि टोटल हमने लिख दिए हैं वहाँ पर, कोई मिस ना हो। तो सैंपल स्पेस हमने लिखा, अब मैंने बोला कि अगर मैंने ए बी और सी इवेंट ली है तो एसोसिएट करती है सैंपल स्पेस एस को। तो मैंने इवेंट ए में ये बोला ओनली
वन टेल अपीयर्स। अब इवेंट ए जो ही है उसमें क्या हुआ है कि सिर्फ एक ही टेल अपीयर हुआ है। जब एक ही टेल अपीयर हुआ है तो इवेंट ए के सेट क्या बनेगा? अब यहाँ पर देखो कि एक टेल अपीयर कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है और एक यहाँ पर हुआ है और एक यहाँ पर हुआ है, तो एक ही टेल तीन जगह आ रहा है। तो हम इसका सेट बना रहे हैं एच एच टी एच टी एच टी एच एच, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे शो कर दिया। अब ये तो हो गया ए का सेट। अब कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री को हम डिनोट करेंगे ए डैश से। अब कॉम्प्लीमेंट्री में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि इवेंट का होना। इसमें इवेंट जो होती है हैपन करती है, इवेंट अकर करती है, और ये होता है इवेंट का ना होना, इवेंट डज नॉट हैपन, ठीक है। एक है इवेंट का होना, एक होता है इवेंट का नहीं होना, तो उसको हम बोलते हैं ए डैश, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए ही होगा। तो इसमें हम बाकी के जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं जिसमें इवेंट ए के अंदर जो नहीं आए वो कॉम्प्लीमेंट्री ए में आ जाएंगे। तो इसमें आंसर क्या आएगा? ट्रिपल एच ट्रिपल टी 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 एच टी एच टी एच टी टी, ठीक है। तो आई थिंक मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम कर दी है जिसमें तीन एलिमेंट्स आने चाहिए थे, मैंने दो लिखे हैं, तो आप उसमें चेक कर लेना एक बार। नाउ नेक्स्ट नोटेशंस हैं इवेंट ए और बी, इवेंट ए एंड बी, इवेंट ए बट नॉट बी। काफ़ी सिंपल नोटेशंस हैं। ए और बी को हम डिनोट करते हैं ए यूनियन बी से, यानी कि दोनों का यूनियन, ठीक है। इवेंट ए एंड बी को हम डिनोट करेंगे इंटरसेक्शन से, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। और इवेंट ए बट नॉट बी कहते हैं कि इवेंट ए तो होनी चाहिए पर उसमें बी नहीं होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे शो कर दिया इवेंट ए बट नॉट बी। तो ये जो थे हमारे पास कुछ एनालॉग सेट ऑफ नोटेशंस थे। नाउ इन सेट ऑफ नोटेशंस पर हम एक एग्जांपल कर रहे हैं। एग्जांपल है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई। हमें डाई रोल करनी है। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। ए इवेंट है जिसमें एक प्राइम नंबर मिल रहा है हमें, और बी इवेंट है गेटिंग एन ऑड नंबर। बी इवेंट में हमें एक ऑड नंबर मिल रहा है। राइट सेट्स रिप्रेजेंटिंग द इवेंट्स ए और बी, ए एंड बी, ए बट नॉट बी एंड नॉट ए। इसको मैं आपको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ कि सबसे पहले तो मुझे एक जो एक्सपेरिमेंट दिया गया है वो है रोलिंग अ डाई, ठीक है। इसका हम एक सैम्पल स्पेस बनाएंगे। सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इसमें ये एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो ये मेरा सैम्पल स्पेस होगा। हमें एक इवेंट ई दिया गया है जिसमें बोला गया गेटिंग अ प्राइम नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं इसके अंदर? 2, 3 एंड 5 प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर में आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्राइम नंबर आप ऐसे याद रखना कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 पर या खुद के ऊपर जाते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे नंबर्स जो या तो 1 पर जाए या अपने ही ऊपर जाए, ठीक है, अपने टेबल पर चले जाए, तो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। लेकिन 1 को उसमें एक्सक्लूड करना है, ठीक है। 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता, तो 2, 3 और 5, ठीक है। 2, 3 और 5 प्राइम नंबर आ गए हैं, तो ये हमने एक सेट ए बना लिया। सेट बी में क्या लिखा हुआ है हमारे पास? गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर इसमें देखो कौन कौन से हैं? 1, 3 और 5। ये हमने एक सेट इवेंट ई बना लिया। अब देखो हमसे क्वेश्चन कौन से पूछे गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया है ए और बी, सेकंड पूछा गया है ए एंड बी, थर्ड है ए बट नॉट बी एंड फोर्थ है नॉट ए। ये क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब इसको हम शो कैसे करेंगे? सबसे पहले मेरे पास फर्स्ट पार्ट है ए और बी। तो ए और बी मैंने आपको बताया था किससे डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी से, ठीक है। अब इसको अगर मैं वेन डायग्राम के हिसाब से भी आपको बताऊं तो हमने ए और बी बना लिए हैं। ये ए है और ये बी है। ए के अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं? 2, 3, 5। तो मैंने 2 को यहाँ पर लिखा, 3 को यहाँ पर लिखा और 5 को यहाँ पर लिखा एंड 1 को लिखा यहाँ पर। ऐसे क्यों लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। ए के अंदर है 2, 3, 5। तो अगर आप इस टाइम पर सिर्फ ए के सर्कल को देखो, इस सर्कल को भूल जाओ कि ये सर्कल यहाँ पर है, हमने सिर्फ ए के सर्कल को देखा। ए के सर्कल में कौन से एलिमेंट्स हैं? 2, 3, 5, तो 2, 3, 5 आ गया। सिमिलरली अब आप बी के सर्कल को देखो, बी के सर्कल में कौन से एलिमेंट्स हैं? 1, 3, 5, तो ये 1, 3, 5 आ गया, ठीक है। अब ये 3 और 5 मैंने बीच में क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये होता है कॉमन स्पेस, कि इन दोनों में कॉमन कौन से एलिमेंट्स हैं। अब कॉमन एलिमेंट्स हैं 3 और 5, ताकि वो दोनों में शो हो, ठीक है। तो मैंने 3 और 5 को यहाँ पर लिखा,
तो ये एक कॉमन स्पेस होता है जिसको हम इंटरसेक्शन से शो करते हैं, ठीक है। तो ए और बी, ए यूनियन बी, अब इसमें मैं ए और यू बी का यूनियन करना है, तो इसमें कौन सा सेट आएगा, 235 है, 135 है, तो इसका आंसर आएगा 1, 2, 3। सेकेंड पार्ट है ए एंड बी, ए एंड बी। अब ए एंड बी में क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, और मैंने बताया था इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 3 एंड 5, ठीक है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है सिर्फ 3 एंड 5, तो आंसर आ गया 3 एंड 5। आई होप कि आपको यूनियन समझ आ गया होगा। यूनियन में क्या है कि दोनों के एलिमेंट्स इकट्ठे करने और जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको एक ही बार लिखना होता है। तो 1, 2, 3 और 5 दोनों में सेम है, तो उनको मैंने एक ही बार लिख दिया यहाँ पर। ये तो हो गया यूनियन, और ये हो गया इंटरसेक्शन जिसको हम ए एंड बी से शो करते हैं। थर्ड है ए बट नॉट बी, कहते हैं कि ए तो होना चाहिए पर बी नहीं होना चाहिए। अब देखो ए है मेरे पास, इन्होंने बोला उसमें से बी नहीं होना चाहिए, तो हमें इस बी को बाहर निकाल देना। तो जब इस बी को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा बचेगा, क्योंकि मैंने बी वाला हिस्सा बाहर निकाल दिया इसमें से। तो इसमें सिर्फ कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ 2 ही है, तो इसमें 2 ही आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा 2। फोर्थ मेरे पास है नॉट ए, नॉट ए को हम डिनोट करते हैं ए डैश से, तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में नहीं है। तो ए में हमारे पास एलिमेंट्स है कौन से, 2, 3, 5 है, कौन से एलिमेंट्स नहीं है, 1, 4 एंड 6, तो 1, 4 और 6 हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे, सिंपल वे में मैंने कोशिश करी बताने की। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास, सपोज मैं आपको एग्जांपल से इसको समझाता हूँ, हमारे पास कोई एक सैम्पल स्पेस है जिसमें हमने डाई को थ्रो किया, तो उसमें क्या आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो उसमें मैंने एक इवेंट ई ए माना जिसमें मैंने बोला कि गेटिंग एन इवन नंबर, तो ये तो है इवन नंबर हमें मिलना। इवन नंबर क्या होता है, 2, 4, 6, तो इसमें तो 2, 4, 6 ही निकलेंगे इवन नंबर। और बी, बी मैंने लिखा गेटिंग एन ऑड नंबर, तो इसमें मुझे सिर्फ ऑड नंबर ही मिलना चाहिए, तो ऑड नंबर क्या आएगा, 1, 3, 5। ये मैंने दो इवेंट्स लिए। अब इसको मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कब बोलूँगा, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए क्या होता है कि अगर मेरे पास ए और बी दो सेट हैं, ठीक है, जो बिलोंग करते हैं सैम्पल स्पेस एस को, तो जो ए इंटरसेक्शन और बी हो उन दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ भी ना आए, ठीक है, यानी कि वो डिसजॉइंट हो, इसको हम बोल देते हैं डिसजॉइंट इवेंट्स। डिसजॉइंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि अगर मैं उन दोनों का इंटरसेक्शन करूँ यानी कि उनमें कॉमन चीज़ें ढूंढूँ तो कॉमन चीज़ें कुछ नहीं आएंगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको वेन डायग्राम से भी देखें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये ए इवेंट है और ये बी इवेंट है, इसमें क्या होगा कि जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना बिल्कुल खाली होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल वो वाला जो क्वेश्चन एग्जाम्पल है हमारा, इसमें अप्लाई करते हैं, ए इवेंट में कौन से एलिमेंट्स हैं, 2, 4, 6, तो 2, 4, 6 को मैंने लिखा यहाँ पर, और बी में है 1, 3, 5, तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये स्पेस बिल्कुल ही खाली पड़ा है। तो खाली स्पेस को हम 5 से डिनोट करते हैं, और ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं डिसजॉइंट इवेंट्स, या फिर सेट्स को बोलते हैं तो डिसजॉइंट सेट्स है, ठीक है। तो जो हमारे पास दो इवेंट्स बिल्कुल ही डिसजॉइंट हो उनको हम बोल देते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। तो ये 2, 4, 6 और 1, 3, 5 है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैंने बोला कि ए इंटरसेक्शन बी 5 है, देयरफॉर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। अब एग्जांपल कुछ और ले लो कि मैंने इसमें कोई भी हम लेट कर सकते हैं कि ये ऑड और इवन नंबर वाला तो हो गया, लास्ट एग्जांपल लेट कर लो जिसमें एक प्राइम नंबर था और एक ऑड नंबर था। सपोज मैंने एक सी इवेंट लेट किया जिसमें हमें सिर्फ एक प्राइम नंबर मिल रहा है, प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं हमें, तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से थे, 2, 3 एंड 5। अब अगर मैं बी और सी को नोट करूँ, ठीक है, बी और सी को या बी और ए को भी नोट कर सकते हो, बी इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा, एक एलिमेंट तो कॉमन आ ही रहा है, कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन आ रहा है, देखो उसमें 3 और 5 आ रहे हैं इसमें, तो दो एलिमेंट इसमें कॉमन आ गए बी और सी में, तो हम इसको लिख रहे हैं 3, 5। तो इन दोनों को हम बोल सकते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ये नहीं है क्योंकि इसमें कॉमन चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बी इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू 5, ये खाली नहीं है, देयरफॉर बी एंड सी आर नॉट
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं होंगी। एग्जाम्पल की आप जैसे न्यूज़ चैनल देखते हो, उसमें आपको दिखता है कि एक्सक्लूसिव, ये एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ है। एक्सक्लूसिव न्यूज़ का मतलब होता है कि वो खुद से ही, उन्होंने खुद से उस चीज़ को मतलब कि शूट किया है और वो खुद से उस साइट पर गए हैं, ठीक है, न्यूज़ को शूट करने के लिए, मतलब उनके राइट्स हैं उसके ऊपर, ठीक है, वो उन्हीं की वीडियो है, उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता है, तो वो होते हैं एक्सक्लूसिव। इसी तरह म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स में क्या होता है कि जो ए के एलिमेंट्स हैं वो ए के ही हैं, वो किसी और के साथ नहीं जा रहे हैं, ठीक है, किसी और के अंदर नहीं है वो एलिमेंट्स, तो इसके ऊपर इसका एक्सक्लूसिव राइट है, इसलिए हमने इसको बोला म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स काफ़ी सिंपल चीज़ है, इसको आप ध्यान से समझना। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा देता हूँ, उसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊँगा। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, सपोज हम इसमें भी वही सैम्पल स्पेस सेलेक्ट करते हैं डाई का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सैम्पल स्पेस है। अब ए इवेंट को मैंने बोला नंबर लेस देन 4। अब नंबर लेस देन 4 कौन सा है, 1, 2, 3। फिर मैंने एक बी इवेंट ली जिसमें है नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नंबर, तो वो कौन सा होगा, 5 और 6। अब सी इवेंट ले रहा हूँ मैं नंबर लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 2 and less than 5। ठीक है, हमने यहाँ पर ये लिखा कि नंबर 2 से तो बड़ा होना चाहिए और 5 से लेस होना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है, देखो 2 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा, तो 2 से बड़ा कौन कौन सा है, 3 और 5, और वो 5 से भी छोटा है, 3 और 4, तो उसमें 3 और 4 आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी कर दूँ, मतलब इन तीनों का यूनियन कर दें हम, तो इसमें आपको पता है कि यूनियन में सारे एलिमेंट्स इकट्ठे आ जाते हैं, तो इसमें क्या होगा, 1, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4, 5 and 6, ठीक है, तो इन तीनों में से सारे एलिमेंट्स हमने निकाल लिए जो यूनियन में आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट ये करी होगी कि ये तो सैंपल स्पेस के बराबर आ गया, ठीक है, हमने जब इसको यूनियन किया तो ये एक सैंपल स्पेस के बराबर आ गया। इसी को हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स, कि ऐसी इवेंट्स, ऐसी तीन इवेंट्स जिनका यूनियन करने पर सैंपल स्पेस ही आ जाए, उनको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दोज इवेंट्स हुज यूनियन गिव्स सैंपल स्पेस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, दोज आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, वो जाती हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो ये एक डेफिनेशन आ गई कि ऐसी इवेंट्स जिनका यूनियन करके सैंपल स्पेस आ जाए, उनको हम बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी और सी जो है एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। अब इसको हम किसी और वे में लिखते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको शो करते हैं। सपोज मेरे पास एन इवेंट्स है। इवेंट्स कौन कौन सी है, मैंने बोला कि एक इवेंट E1 हुई है, एक इवेंट E2 हुई है, एक इवेंट E3 हुई है, --- EN तक की इवेंट्स है। सपोज कि मेरे पास जो सैंपल स्पेस आया, सैंपल स्पेस में N एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, N एलिमेंट्स हैं। अब उनमें जो इवेंट हुई हैं वो E1, E2, E3, EN तक हुई हैं इवेंट्स। अब अगर मैं उन इवेंट्स का यूनियन कर दूँ, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन --, लास्ट में यूनियन EN आएगा। ठीक है, अगर ये सभी के यूनियन सैंपल स्पेस आ जाए तो वो होंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, इसको हम एक और शॉर्ट फॉर्म में ले सकते हैं, वो है कि इवेंट मैंने यहाँ पर आई लिखा और ये बोला कि यूनियन करना है i=1 से लेके n तक। ये एक शॉर्ट फॉर्म है इसको लिखने की। इसमें हमने क्या किया, E1, E2, E3, EN तक लिखा। ठीक है, उसको हमने बोला कि शॉर्ट फॉर्म में कि ei, कि यहाँ पे जो i की वैल्यू है 1 से लेके n तक जा रही है और इन सभी का यूनियन करना है हमें, तो ये आएगा सैंपल स्पेस के बराबर और ये होंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली समझ आ गया होगा आपको। अब इसमें एक चीज़ और नोट करने वाली है। अब दूसरी चीज़ नोट करने वाली क्या है,
सपोज मेरे पास जो इवेंट्स E1, E2, E3 है, ठीक है, मान लो कि मैंने E1, E2, E3 सबका मैंने यूनियन किया, इंटरसेक्शन सॉरी, अगर मैं सबका इंटरसेक्शन कर रहा हूँ तो इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इनमें, ठीक है, सभी मतलब डिस्जॉइंट है, सभी इवेंट्स डिस्जॉइंट है, E1 भी डिस्जॉइंट है, E2 भी डिस्जॉइंट है, सभी डिस्जॉइंट है। लेकिन अगर उन डिस्जॉइंट, यहाँ लिखते हैं हम सपोज E1, E2, E3, डैश 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 EN आर डिस्जॉइंट इवेंट्स, ठीक है, डिस्जॉइंट है पर इनका यूनियन करके, ठीक है, इनका यूनियन करने के बाद डैश 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 यूनियन EN मुझे सैंपल स्पेस ही मिल जाता है, ठीक है। इवेंट है तो डिस्जॉइंट है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि इसके एलिमेंट जो होंगे वो इसमें नहीं आएंगे, इसके एलिमेंट इसमें नहीं आएंगे, लेकिन उनका यूनियन करके मुझे सैंपल स्पेस मिल रहा है। तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलेंगे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी हैं एज वेल एज एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हैं, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि उनमें कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, ठीक है, सभी इवेंट्स का कोई इंटरसेक्शन नहीं है और वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी आ रही है। तो आप, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।